guys, welcome to Fun Kids, India's first online mobile and radio channel only for kids. तो जी आज मैं लौट आया हूँ एक और exciting episode के साथ. तो जी आज मैं बात करूँगा how to raise kids के ऊपर. जी हाँ, आप सोचते हैं कि हम बच्चों का ध्यान हमेशा, मतलब पेरेंट्स के दिमाग में हमेशा होता है कि कैसी क्या चीज़ करें कि हमारा बच्चा जो है वो अच्छे से ग्रो करे, उसके अंदर मोरल वैल्यूज आए, उसके अंदर अच्छे संस्कार आए. तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ फ्यू थिंग्स जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प की वजह से आपका बच्चा एक अच्छा इंसान जरूर साबित हो सकता है. वैसे आप, मुझे पता है कि आप पूरी तरह मेहनत करते ही होंगे. सो द फर्स्ट स्टेप इज Give your kids things that they can own and control. जी हाँ, मतलब बच्चों को कुछ ऐसे rights दीजिए जिसकी वजह से वो चीजों पे अपना थोड़ा बहुत control रख सके. मतलब काफी तौर के parents होते हैं जो बच्चों पे थोड़ी restriction लगाते हैं. अब उनको controlling देने का ये मतलब नहीं कि आप 5 साल के बच्चों को गाड़ी की चाबी दे देंगे, जा बेटा control कर. नहीं, इसका मतलब ये है कि जो खुद से इन्वॉल्व करते हैं अपने अंदर, खुद के अंदर के जो टैलेंट्स हैं उनको मतलब नरिश करते हैं. मतलब आपने देखा होगा आमतौर पे बच्चे जो एक पर्टिकुलर टैलेंट है उसमें अपने आप ही महारत हासिल कर लेते हैं. उनको किसी, जैसे एक 5 साल का बच्चा है या 10 साल का बच्चा है, वो अचानक पेंटिंग में इंटरेस्ट लेने लगता है. वो इंटरेस्ट कहाँ से आता है? वो देख देख के आता है, सीख सीख के आता है, और अचानक काफी टाइम बाद वो अच्छी पेंटिंग करने लगता है. वो खुद को इन्वॉल्व करता है, खुद को ग्रो करता है. इसीलिए बच्चों को कुछ ऐसे कंट्रोल दीजिए, कीजिए छोटे मोटे कंट्रोल जिसमें खुद को ओन कर सके, खुद के टैलेंट को पहचान सके. सेकेंड पॉइंट है डोंट वरी अबाउट रेजिंग हैप्पी किड्स. मतलब ये गलत वे में मत लीजिए कि भाई हम बच्चों को खुश रहना क्यों ना सिखाए और उनको खुशी से क्यों ना ग्रो करवाए, इसका ये मतलब नहीं है. काफी ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, मतलब ओवर पेरेंटिंग जिसको कहते हैं, कि बहुत लाड से प्यार से संभाल के रखते हैं, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा मतलब समाज के लिए, जमाने के लिए थोड़ा प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है. इसीलिए उनको उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम से खुद से ही डील करने दीजिए, ना कि आप हर प्रॉब्लम का उनके पास पहले सोल्यूशन आप उनको बता के बोले बेटा चिंता मत कर हमारे पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन. नहीं, ये गलत चीज है. अगर आप स्टार्टिंग से उसके अंदर ऐसी आदत डालेंगे कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करे, तो आगे जाके बहुत ज्यादा ग्रो में उसकी खुद की पर्सनल ग्रो एंड मोरल वैल्यूज में बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज रिमेंबर द लिटिल थिंग्स दैट मैटर. मतलब जो पल आप अपने बच्चों के साथ गुजारते हैं उसको पूरी तरह से नरिश कीजिए, याद कीजिए, उसके बारे में डिस्कस कीजिए. काफी ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब उनके डेली शेड्यूल में उन्होंने लिख रखा है कि भाई इतना टाइम तो मैं अपने बच्चों को दूंगा ही दूंगा. तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को कहानियां पढ़ के सुनाते हैं, उनसे चीजें डिस्कस करते हैं कि तुम्हारा पूरा दिन आज कैसा गया, उनसे ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू दोज पेरेंट्स जो ये सब नहीं करते. तो वो बच्चे जिनको ये सारी चीजें एक्सपीरियंस मिल रहा है पेरेंट्स की और बातें जो करते हैं, इंटरेक्शन जो करते हैं, वो बच्चे ज्यादा अच्छी तरह अपनी लाइफ को सही नजरिए से देखते हैं और अपने मतलब पेरेंट्स के एक्सपीरियंस से खुद सीखते हैं. इसीलिए आप अपने बच्चे से जितना ज्यादा हो सके टाइम स्पेंड कीजिए, ज्यादा बातें कीजिए, तभी आपके बच्चे में आपके तो क्या आपसे भी मतलब जो आपके आपके पूर्वज के गुण है वो भी आ जाएंगे. तो ये कुछ स्टेप्स थे जिसकी वजह से आप अपने बच्चों के साथ अच्छे रिलेशन बना सकते हैं, उनको अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं. तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि कैसी लगी है. अगर कुछ टॉपिक आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं. और प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए. सो गाइस, फन किड्स इज स्पॉन्सर्ड बाय सी जर्नी विच इज अ अवार्ड विनिंग ऐप टू बिल्ड द कनेक्शन बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर्स. तो जी ये था आज का ज्ञान हमारी तरफ से. तो फन किड्स वीडियो सुनते रहिए और ज्ञान की बातें हम आप तक लाते रहेंगे. फन किड्स रेडियो साइनिंग आउट, प्रफुल्ल राजपूत.